हम लोग इसी वीडियो पे कोल यार्ड मैनेजमेंट कैसे करते हैं उसी का चर्चा करूँगा। कोल यार्ड मैनेजमेंट थोड़ा सा डिसिप्लिन अगर हम लोग मेंटेन करते हैं तो सुविधा बहुत बढ़ जाता है। नॉर्मली थर्मल पावर प्लांट पे कोल स्टैक करने का दो तरीका रहता है, एक लाइफ स्टोरेज और एक डेथ स्टोरेज। लाइफ स्टोरेज किसको बोलूँगा हम लोग, जो बंकर में कोल को हम लोग डाल देते हैं, क्रश करके बंकर में पूरा डाल देते हैं, उसको हम लोग लाइफ स्टोरेज कहते हैं, वो रेडी टू यूज़, उसको किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड है डेथ स्टोरेज, जिसको कहते हैं कोल यार्ड, मतलब कोल यार्ड में जो कोल रखा जाता है उसी को डेथ स्टोरेज कहते हैं। वो क्या होता है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब उसको ज़रूरत होगा तभी हम लोग उसको रिक्लेमिंग करके बंकर में भेज देते हैं, यूज़ करने के लिए भेज देते हैं। कोल यार्ड मैनेजमेंट करने के लिए आपको 6 तरीका अपनाना पड़ेगा। नंबर 1 स्टैकिंग प्रोसीड्योर, नंबर 2 कोल यार्ड टेम्परेचर कंट्रोल, नंबर 3 कॉम्पैक्शन कोल कॉम्पैक्शन, नंबर 4 मानसून प्रोटेक्शन रेनी डेज, नंबर 5 है आपका रिक्लेमिंग प्रोसीड्योर, नंबर 6 फीफो फास्ट कम फास्ट आउट, उसको मेंटेन कैसे करेंगे, ये 6 तरीका को आपको जानना ही पड़ेगा। स्टैकिंग प्रोसीड्योर को देख लीजिए, स्टैकिंग प्रोसीड्योर मतलब स्टैकिंग जब करेंगे आप तो यार्ड का जितना लेंथ है सोच लीजिए, इस साइड लंबा में आपका 300 मीटर है, चौड़ा में उसका 45 मीटर है, तो पूरा तो कोल आप डाल नहीं सकते, इमरजेंसी के लिए आप डाल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आपको पूरा टोटल यार्ड पे कोयला नहीं रखा जाता है। यार्ड का जो चारों साइड पे है, जो वॉल जिस साइड पे वॉल रहता है, चारों साइड पे वॉल रहेगा तो वॉल का साइड में आपको 5 मीटर करके छोड़ देना चाहिए, 5 मीटर आपको गैप देना चाहिए। इसका फ़ायदा क्या है, डोजर जेसीपी का जो मूवमेंट है वो मूवमेंट आराम से हो पाएगा। नॉर्मली स्टैकर कम रिक्लेमर मशीन का जो एंगल का रेंज है वो 15 डिग्री से 90 डिग्री तक है, लेकिन स्टैकिंग करने के लिए आपको 30 टू 60 डिग्री के बीच में बूम को रख के स्टैकिंग करना चाहिए, क्यों बूम का हाइट जब मैक्सिमम रहेगा तो कोल क्या होगा और भी चारों साइड में स्पेड होगा, स्पेड होके वो जो 5 मीटर जो गैप आप वॉल का बराबर छोड़ेंगे वो आप नहीं कर पाएंगे, इसीलिए बूम का रेंज जिसका एंगल जो है वो 30 टू 60 डिग्री का अंडर ही होना चाहिए। स्टैकिंग करेंगे तो हाइट कितने मेंटेन करेंगे, बूम कॉन्वेयर को हाइट पहले आपको 3 मीटर करना चाहिए, मैक्सिमम 3 मीटर, 3 मीटर से थोड़ा कम करेंगे तो और अच्छा है, फिर 6 मीटर जाइए, फिर 9 मीटर जाइए, फिर 11 मीटर जाइए, आपका स्टैकर का बूम कॉन्वेयर का जो मैक्सिमम रेंज है वो आप आराम से जा सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप अचानक सोच लीजिए आप 9 मीटर बाय 11 मीटर कर दिए, नहीं आप बैठ गए, जो लोग स्टैकर ऑपरेटर लोग है कर दिए, तो उसमें नुकसान क्या होगा, कोल का अंदर जो फाइन डस्ट है वो फाइन डस्ट क्या होगा आपका उड़ना स्टार्ट करेगा, और वो फाइन डस्ट क्या है वो हाई जीसीपी कोल है, वो हाई जीसीपी कोल हम लोग क्या होगा हवा के कारण उड़ के बाहर चला जाएगा, तो वो एक नुकसान है। दूसरा क्या है, पॉल्यूशन है, आसपास कोई आदमी काम नहीं कर पाएगा वो हवा मतलब डस्ट के कारण, तो इसको ध्यान देना पड़ेगा आप लोग को। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कोल यार्ड टेम्परेचर कंट्रोल, आपका कोल यार्ड में जो कोल रहता है उसका टेम्परेचर अगर आप कंट्रोल कर पाएंगे तो आप कोल का अंदर जो आग लगने का जो टेंडेंसी है वो और भी कम हो जाएगा, मतलब कोल का अंदर आग लगेगा तो आपका मुश्किल है रिक्लेमिंग करने का, तो आपको करना क्या चाहिए, यार्ड को चारों साइड में स्प्रिंगलर गन लगा हुआ है, देखिए ये स्प्रिंगलर गन है, ये चारों साइड पे है, तो आपको क्या करना चाहिए, जब ये स्टैकिंग होगा, स्टैकिंग होने के बाद क्या होगा, स्प्रिंगलर गन को आप कंटिन्यू रन करके रखिए, चारों यार्ड पे आपको भिंगा दीजिए, भिंगाएंगे तो क्या होगा उसका टेम्परेचर और भी कम होगा, तो आग लगने का टेंडेंसी और भी कम होगा। कोल में क्या है, कोल का टेम्परेचर 50 से 55 डिग्री जब आएगा तो उसमें क्या होता है, फायर का टेंडेंसी रहता है बट आग लगता नहीं है, उसका टेम्परेचर 70 डिग्री से 75 डिग्री जब आ जाएगा तो क्या होगा, आग लगने का जो टेंडेंसी वो बहुत ही बढ़ जाता है, और क्या होता है कोयला में धुआं निकलना स्टार्ट हो जाएगा। जब कोल का टेम्परेचर 75 से 130 डिग्री का बीच में आएगा तो टोटली आग लगना स्टार्ट हो जाएगा। कोल में जब आग लग जाएगा
तो हम लोग क्या करते हैं, वाटर स्प्रे करते हैं, ज़्यादा वाटर स्प्रे करते हैं। तो वाटर स्प्रे करने का बाद क्या होगा, कोल का जो फाइन डस्ट है वो नीचे चला जाएगा और ऊपर आपका लम्स बन जाता है। तो लम्स बनने का कारण क्या होगा, उसमें एयर गैप और भी बढ़ जाता है। तो एयर गैप जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आग लगने का जो टेंडेंसी उसको और भी बढ़ जाता है। तो हम लोग को कोशिश करना चाहिए, जैसे कोल में थोड़ा स्मोक आएगा तो तुरंत उस कोल को वाटर स्प्रे के मदद से निभा के बंकर में फिट कर देने का। यार्ड मैनेजमेंट को स्मूथ करने के लिए आपको यार्ड में जोन डिवाइडेशन करना चाहिए। मतलब ये कोई भी एक यार्ड हो जिसका यार्ड का लेंथ हो अप्रोक्स 500 मीटर, तो आप कोशिश कीजिए उस यार्ड को 5 पार्ट में डिवाइडेशन करने का। इसमें क्या फ़ायदा का होगा, हर एक जोन पे अलग अलग क्वालिटी आप कोल रख पाएंगे, ये एक फ़ायदा है। और दूसरा क्या फ़ायदा है, अगर कोई भी एक जोन पे आग लग गया है तो उसको आप आराम से उठा सकते। अगर कोल को कंटिन्यू आप स्टैकिंग करके रख देंगे टोटली स्टार्टिंग से एंड तक, कोई भी बीच में गैप नहीं है, तो इसमें नुकसान क्या होगा, अगर बीच में आपका आग आ गया तो आपको पहले से कटिंग करके उस जगह तक लेके जाना पड़ेगा, तब तक आपका बहुत कोल जल के नुकसान हो जाएगा। आपको दो जोन का बीच में 10 मीटर गैप देना चाहिए, मतलब एक जोन और दूसरा जोन, दोनों जोन का बीच में 10 मीटर अगर गैप दे दिए तो दो जोन का डिवाइडेशन आप आराम से कर पाएंगे। रिक्लेमिंग करने में भी आपको सुविधा होगा। जोन बनाने में नुकसान क्या है, फ़ायदा तो आपको जब पता चल गया, लेकिन नुकसान क्या है, नुकसान है ज़्यादा अगर जोन एक यार्ड पे आप बनाएंगे तो उसका बीच में गैप देना पड़ रहा है 10 मीटर 10 मीटर करके, तो आपका यार्ड का जो स्टॉक है वो स्टॉक आप उतना कर नहीं पाएंगे, मैक्सिमम स्टॉक आप कर नहीं पाएंगे। आपका 1 लाख स्टॉक है तो सोच लेंगे उसमें 60,000 व 70,000 तक ही आप कोल स्टॉक कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कोल कॉम्पैक्शन, जो हम लोग डोजर के मदद से हम लोग कोल कॉम्पैक्शन करते हैं। तो कैसे करेंगे आप कोल कॉम्पैक्शन, जैसे आपका स्टैक हो गया है पूरा, आपका जितना करना है स्टैक 500 टन, 10,000 टन, 20,000 टन स्टैक कर दिए। स्टैक करने के बाद उसका ऊपर डोजर का मूवमेंट होना चाहिए, डोजर जितना उसको ऊपर मूवमेंट करेगा वो कोल धीरे 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 कॉम्पैक्शन हो जाएगा। ये देखिए ये कॉम्पैक्शन हो रहा है, इसी तरह से पूरा कॉम्पैक्शन होने में उसका फ़ायदा क्या है, कॉम्पैक्शन अगर ज़्यादा करेंगे आप कोल में तो कोल का अंदर जो एयर गैप है वो एयर गैप कम होगा, और एयर गैप जितना कम कर पाएंगे आग लगने का जो टेंडेंसी है वो कम होगा। सेकेंड क्या फ़ायदा है, आपका यार्ड में कोल स्टॉक आप ज़्यादा कर पाएंगे। अगर आप ऐसे नॉर्मली स्टैक कर दिए तो कोल देखने में तो बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन फिजिकली उतना कोल नहीं है, इसीलिए क्या किया जाता है, ऊपर में डोजर चला के कोल को दबाया जाता है। दबने में क्या होगा, उसके ऊपर और भी आप स्टैक कर सकते हैं, तो कोल को स्टैक करने का जो कैपेसिटी है यार्ड का वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मानसून प्रोटेक्शन, रेनी डेज, मतलब बरसात का टाइम कोल को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे आप। अब आग जल गया उसका तो प्रोटेक्ट कर लिया, पानी मानी मारे, लेकिन अब कंटिन्यू बरसात का टाइम पानी में कोल तो भीग जाएगा ना। कोल को हमको बंकर में फिट करना है तो लोग तो ड्राई कोल चाहिए, तो हमको बरसात का टाइम आपको कैसे ड्राई मिलेगा, तो उस टाइम क्या किया जाता है, यार्ड पे पॉलीथीन बैग यूज़ किया जाता है। एक करता है क्या, पॉलीथीन बैग यूज़ करता है, मतलब पूरा यार्ड में जो कोल है वो कोल को पॉलीथीन का मदद से ढक दिया जाता है। तो कोल क्या होगा, आपका अंदर जाएगा बरसात का पानी अंदर जाएगा नहीं तो कोल भींगेगा नहीं, इस टाइप का एक प्रोटेक्शन है। दूसरा प्रोटेक्शन क्या है, उसको शेड बना दिया जाता है, टोटल यार्ड का कुछ हिस्सा टोटल शेड बना दिया जाता है। शेड में क्या होगा, वो पानी अंदर आएगा ही नहीं, पॉलीथीन बैग की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये दो प्रोटेक्शन आपका यार्ड में बरसात का टाइम लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिक्लेमिंग प्रोसीड्यूर, रिक्लेमिंग आप कैसे करेंगे। कोल तो आप स्टैक कर दिए, पूरा प्रोटेक्शन ले लिए, अब इसको रिक्लेमिंग करके उठाना है, उठा के बंकर में भेजना है, तो उसके लिए क्या है, बूम कन्वेयर का जो एंगल है वो एंगल नॉर्मली रिक्लेमिंग के लिए 15 to 90 degrees है मैक्सिमम। आप वो मैक्सिमम एंगल को यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोल स्टैक किए आप 30 degrees or 60 degrees का अंदर, लेकिन वो कोल स्पेड होके और भी उसका एरिया बढ़ जाएगा। इसीलिए रिक्लेमिंग करने का टाइम
आप कोशिश कीजिए बूम का एंगल जितना है, मतलब 15 to 90 टोटल उसका रेंज, जब तक मैक्सिमम रेंज है उस रेंज तक लेके जाके रिक्लेमिंग करने के लिए। इसीलिए इसमें क्या होगा, टोटल यार्ड का जो कोल है ये टोटली उठ जाएगा, इसमें डॉजर उतना जरूरत नहीं पड़ेगा, डॉजर का जो कॉस्ट है वो बहुत कम होगा। रिक्लेमिंग करेंगे तो हाइट कितना मेंटेन करेंगे, फर्स्ट आपका सोच लीजिए 9 मीटर तक कोल है, तो आप पहले 6 मीटर में बूम को हाइट करके रखिए, 6 मीटर वाला कोल उठा लीजिए, फिर 3 मीटर में इसको बेंच बनाइए, 3 मीटर में कोल उठा लीजिए, फिर 1 मीटर में लेके आइए, फिर पूरा टोटल इसी स्टेप में अप डाउन कर करके आप पूरा कोल को उठा सकते हैं। तो आखिरी पॉइंट जो है FIFO, फास्ट कम फास्ट आउट। फास्ट कम फास्ट आउट को जानने के पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिला है तो। फीफो क्या है, फास्ट कम फास्ट आउट। आप यार्ड मैनेजमेंट कर रहे हैं और फीफो मेंटेन नहीं कर रहे, ये हो नहीं सकते। फीफो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। फीफो मेंटेन करने में आपको फ़ायदा क्या होगा, एक कोल का जो आग है, कोल में जो आग लग जाता है उसको थोड़ा बच सकता है, और क्या है, कोल का जो क्वालिटी है, कोल जितना नया कोल होगा उसका जिस भी वैल्यू उतना हाई होगा। कोल क्या होगा, आपका जितना पुराना कोल होगा, मतलब यार्ड में पड़ा रहेगा, सोच लीजिए 10 दिन 20 दिन से उस कोल पड़ा रहा है यार्ड पे, तो उसका जिस भी वैल्यू और भी डाउन होते जाएगा धीरे धीरे। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं जो पुराना कोल है उसको जल्दी जल्दी हम लोग बंकर में भेज देते, यही फीफो का मेन मकसद है। फीफो का एक छोटा एग्जाम्पल लीजिए, कोई भी कॉल आपका 1 तारीख कुछ आया है, 2 तारीख कुछ आया है, 3 तारीख आया है, 4 तारीख आया है, 5 तारीख आ गया है, 6 तारीख आपको बोला गया है जब कॉल को रिक्लेमिंग कीजिए, स्टैकिंग तो हो गया, पाँच दिन आपका स्टैकिंग हुआ है, आपको बोलेगा रिक्लेमिंग कीजिए, तब कौन सा कॉल को फास्ट उठाएंगे? आपको रिक्लेमिंग करने के लिए आपको 1 तारीख जो कॉल आया है उसको फास्ट रिक्लेमिंग करना है, इसके बाद 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को, फिर 5 तारीख को, ऐसा सीक्वेंस में आपका कंटिन्यू चलते जाएगा, यही फीफो का मेन मकसद है। नेक्स्ट इसी चैनल पे ऑर्गन टिपलर ऑपरेशन का पूरा फुल डेप्थ एक वीडियो आएगा, उसको भी आप देख लीजिए, कुछ सीख लीजिए।